नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि राहुल ने 2 वर्षों के लिए पी राशि को 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में निवेश किया। यदि दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 525 रूपए है तो राहुल द्वारा निवेश की गई मूल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने यहाँ पर हमें राशि नहीं दी है, लेकिन हमको क्या दिया है, रेट दिया है। रेट क्या है, 5%। ठीक है, अब प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। ठीक है, अब उसने कहा कि दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 525 रूपए है। ठीक है, तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर रेट के नीचे रहे उसका हमको जितने वर्ष के लिए गजर है वो पावर लगा देंगे। जैसे हार के नीचे 20 है और 2 साल की बात चली है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका मूलधन 400 यूनिट निकल आएगा। ये मूलधन निकला और ये हमारा रेट था। अब उसने हमें दिया है कि ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 525 रूपए, तो हम इससे ब्याज निकालेंगे। पहले साल कैसे निकालते हैं, जो हमारा मूलधन है उसमें ब्याज रेट का गुणा कर देते हैं, कट करेंगे कितना आ जाएगा, 20। दूसरे साल के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, इसी 20 को जो यहां पर आया उसका फिर से रेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीजें शामिल होती हैं, यानी जो 20 है ये पहले साल भी मिलेगा और दूसरे साल भी मिलेगा, और 1 रुपया दूसरे साल और मिलेगा, यानी कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया सेकंड ईयर का, 21 रुपए। लेकिन प्रश्न ने कहा है कि कितना हुआ, 525 रुपए। तो जो दिया गया उसका भाग, प्रश्न ने हमको क्या दिया है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, जबकि हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, 21। और जो पूछा है उसका गुणा, पूछा क्या है, राहुल द्वारा निवेश की गई मूल राशि, तो मूल राशि कितनी थी, ये मूल राशि थी 400, तो हमने यहाँ पर 400 का गुणा कर दिया, तो इससे क्या निकल आएगा, इससे हमारा पी यानी कि मूलधन निकल आएगा। कट करेंगे 21 से काटेंगे, 21 × 42 और 21 × 5 = 105। पी बराबर 25 × 400, तो पी बराबर 25 × 100 और 00 यहाँ पर, यानी 10,000 रुपए उसने निवेश किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या था, सबसे पहले जो हमको रेट दिया है 5%, हमने उसको 5/100 लिखा, कट करके 1/20 बनाया। अब ऐसे प्रश्नों में हम मूलधन कैसे निकालते हैं, तो रेट के जो नीचे वाला नंबर है यानी कि 20, इस प्रश्न में 20 है तो 20, और कितने साल के लिए, दूसरे वर्ष, यानी 2 साल की बात हो रही है, 2 वर्षों की यहाँ पर बात हुई है। जब 2 वर्षों की बात है तो जो इसका हार रहेगा उसकी पावर हम टाइम कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400। तो ये हमने मान लिया कि मूलधन कितना है, 400। पहले वर्ष में क्या होगा, 400 × 1/20 किया तो 20 निकल के आ गया, इसी के आगे बढ़ाया दूसरे साल के लिए, 1 और आ गया, तो यहाँ पर जो 20 है ये पहले साल भी 20 मिलेगा और दूसरे साल भी 20 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल 1 रुपए ज्यादा मिलेगा, यानी कुल 2 साल दूसरे वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया 21 रुपए। प्रश्न ने हमें दिया था कि वो आया हमारा 525, तो हमने 525 के भाग कर दिया 21, और हमें निकालना था मूलधन तो गुणा कर दिया 400 का, सॉल्व कर दिया तो 10,000 रुपए हमारा मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।